हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर द फर्स्ट थ्री पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट एलिमेंट हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए बी सी डी ई व्हिच आर नॉट देयर केमिकल सिंबल। सेलेक्ट द लेटर व्हिच रिप्रेजेंट द हेलोजन, सेलेक्ट द लेटर व्हिच रिप्रेजेंट द नोबल गैस, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट एलिमेंट विल फॉर्म अ डाइवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा बी है, यहाँ पर हमारा सी है, यहाँ पर हमारा डी है और यहाँ पर हमारा ई है। अब पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेलेक्ट द लेटर रिप्रेजेंट द हेलोजन, हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 का नाम क्या होता है? हेलोजन। ठीक है, तो हेलोजन। अब यहाँ पे ग्रुप 17 से कौन बिलोंग कर रहा है? ग्रुप 17 में बी बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द नोबेल गैस। नोबेल गैस जो है ग्रुप 18 को नोबेल गैस ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप 18 नोबेल गैस है, नोबेल गैस है। तो ये नोबेल गैस को ग्रुप 18 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्रुप 18 में कौन सा एलिमेंट है? ई। तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा ई। अब थर्ड में हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी। ए यहाँ पर है ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 में ए है, ए जो है वो कहाँ है? ग्रुप 14 में। तो अगर ग्रुप 14 की अगर बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा ये क्या होगा? ग्रुप 13 जो होता है वो P1 में खत्म होता है, ग्रुप 14 P2 में खत्म होता है। तो P2 में अगर कोई भी खत्म होगा, 1s2, 2s2, 2p2, तो ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 14 का एलिमेंट में जैसे ए है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और बी जो है वो हेलोजन है, बी हेलोजन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, मिनिमम 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों के दोनों को नीड होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का नीड होता है दोनों को। तो दोनों अपने बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? को वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड बनेगा? को वैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, सॉरी कार्बन नहीं, ए मान लो, ए के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? ये शेयर ही करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, डोनेट भी नहीं करेगा, ये 4 बी से इस तरह से शेयर करेगा। ठीक है, यहाँ से भी बी से शेयर हो गया, इधर भी बी से शेयर हो गया, इस तरफ में भी बी से शेयर हो गया, इस तरफ में भी बी से शेयर हो जाएगा, इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब चौथा अगर हम लोग बात करें तो चौथा में बोला गया है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड बी। सी जो सी है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आउटर मोस्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और बी जो है हेलोजन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो बी है वो आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर बी और सी जो होकर, सी डोनेट करेगा, बी एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमारा जो होगा आयनिक बॉन्ड। और आखिरी जो है हमारा क्वेश्चन, पांचवा नंबर, विच एलिमेंट विल फॉर्म अ डाइवेलेंट एनायन। पूछा गया है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट है जो डाइवेलेंट एनायन बनाएगा। तो ग्रुप 16 वाला डाइवेलेंट एनायन बनेगा। क्यों? ग्रुप 16 में अगर देखोगे, ग्रुप 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो ये हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में जो होगा इसका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ग्रुप 16 के आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। कैसे? 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, या फिर 2, 6, ये जो बिलोंग करता है वो ग्रुप 16 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ओ टू माइनस बना लेता है। उसी प्रकार डी ग्रुप 16 से है, तो डी अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके डी टू माइनस बना सकता है। तो हमारा लास्ट वाला का ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।